3 जनवरी 2024 हम लोग हैं उड़ीसा में पुरी के गोल्डन बीच पर। तो ये है टिकट काउंटर। ये एक अलग पार्ट है जिसे ब्लू बीच कहते हैं। ये पेड़ है और इसलिए यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई ज़्यादा है। आप आराम से देख सकते हैं, दो चार रिजॉर्ट्स भी हैं यहाँ पर। जैसे कि मुझे सामने ही दिख रहा है ये रिजॉर्ट। दिल्ली में काफ़ी कड़ाके की ठंड है, लेकिन पुरी में मौसम बहुत अच्छा है। सामने ही मुझे दिख रहा है रिफ्रेश कैफ़े कुकीज़। तो पहले यहाँ चल के थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर चलते हैं बीच पे। यहाँ है नरूला कुल्फ़ी। सामने मुझे बीच नज़र आ रहा है दूर कहीं, तो चलते हैं वहाँ पर। सामने ही दिख रहा है पुरी का बीच। तो शुरुआत यहाँ से हो रही है बीच की। ज़बरदस्त पानी, आहा, सामने का नज़ारा इतना ज़बरदस्त है। जहाँ तक दूर तक नज़र जा रही है हमें पानी ही पानी नज़र आ रहा है। दिल्ली की कड़ाकेदार ठंड छोड़ के 3 जनवरी को हम हैं उड़ीसा के बीच पे और यहाँ का मौसम बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत ही मज़ेदार। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पानी का शोर कानों को सुकून दे रहा है। गए हैं, बहुत ही प्यारा मौसम, बहुत ही ऑसम ब्यूटी यहाँ की। आगे बढ़ते हैं। तो ये पुरी में बीच जो कहलाता है इसे हम ब्लू बीच कहते हैं। तो सामने से ये पानी हमें ब्लू ब्लू सा ही नज़र आ रहा है। धूप का टाइम ढल जाने से यहाँ साथ बिल्कुल नहीं हो रहा है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। इधर बीच के पीछे ही इन्होंने बच्चों के लिए स्विंग्स वगैरह लगा रखे हैं, तो यहाँ भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ तो ये सी बीच है जिसका आनंद लेने हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और बहुत सारे अपने लोगों को हम मिस कर रहे हैं। हम आए हैं उड़ीसा में पुरी शहर और यहाँ पर पूरे दिन बीच पे रहने के बाद यहाँ हॉलीडे रिसोर्ट, तो इसमें हम डिनर के लिए आए हैं। तो थोड़ी देर शाम को इसके लॉन में बैठेंगे और उसके बाद अंदर डिनर। तो चलिए मैं आपको लेके चलूँ। आज यहाँ पर किसी की शादी भी है तो पूरी सजावट देखने के लिए मिल रही है। अभी न्यू ईयर हुआ है, आज 3 जनवरी है और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के साथ साथ सजावट भी नज़र आ रही है। तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ रेस्टोरेंट है द गजपति फ्यूजन फाइन डाइनिंग, जेड गार्डन्स, लेमनेड स्पा, बेकरीज एंड मैनी मोर। मॉडर्न आर्ट देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए चलते हैं हॉलिडे रिसोर्ट में। क्रिसमस की पूरी सजावट नज़र आ रही है और ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया और ये रास्ता जा रहा है लॉन की तरफ। चलिए चलते हैं लॉन की तरफ। रिट्रीट और आमंत्रण, आमंत्रण। इस वक्त मैं हूँ पुरी उड़ीसा में जहाँ हॉलिडे इन रिसोर्ट है और उसके गार्डन में हूँ। यहाँ किसी शादी का अरेंजमेंट चल रहा था जब हम लोग यहाँ डिनर के लिए आए, तो काफ़ी तैयारियाँ भी चल रही हैं। और सामने का सीन देखें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है ये।
तो यहाँ आके शाम को आप आराम से बैठें, चाय नाश्ता करें। अगर आपको किसी इवेंट के लिए ये जगह रिक्वायर्ड है तो रूम के साथ साथ यहाँ पे अरेंजमेंट किया जा सकता है। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हैं, शाम का वक्त यहाँ गुजारना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये मैं जब वापस जा रही हूँ तो ये देखें, हाँ बहुत ही सूदिंग कार्मिंग एनवायरनमेंट लग रहा है, क्योंकि ये एक स्विमिंग पूल है बहुत प्यारा सा। जब भी कहीं पानी दिखता है मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ। और इनका ये पार्ट है लेमनेड द वेलनेस स्पा, सारे यहाँ रूम्स हैं। ये भी ऊपर एक हॉल दिख रहा है मुझे, सामने स्विमिंग पूल बहुत प्यारा सा, और मेरे सामने देखें ये एक सुवेनियर शॉप है और कलिंगा फिलगिरी, यानी कि यहाँ पे जो ज्वेलरी है फिलगिरी ज्वेलरी सिल्वर में बहुत मशहूर है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है हॉलीडे इन रिसोर्ट में कलिंगा फिलगिरी, न्यू कलिंगा फिलगिरी, और यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन मुझे नज़र आ रही है सिल्वर में, और बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, सिल्वर के रेट में ही है। बैंगल्स हैं और ये कलिंगा ज्वेलरी जो है ये उड़ीसा की बहुत फेमस ज्वेलरी होती है। और ये देखें इयररिंग्स हैं। तो आप यहाँ से फिलगिरी परचेज कर सकते हैं जो काफ़ी फेमस है उड़ीसा में। यहाँ पर अलग अलग रेस्टोरेंट हैं, ये है गजपति, ये है यहाँ का एम्बियंस। और गजपति के बाद है व्हाइट हाउस बैंकेट हॉल, द रिट्रीट लॉन और आमंत्रण, ये भी इस फाउंटेन साइड लॉन है जहाँ अभी मैंने आपको दिखाया है। और अब इस साइड चलते हैं जो मेन हॉल लग रहा है मुझे। मैं वापस आ गई हूँ रिसेप्शन एरिया में। This is waiting area. Now we are entering the restaurant. बहुत ही cool ambience. और इस रेस्टोरेंट एरिया से नीचे का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है, स्विमिंग पूल का नज़ारा हो रहा है और साथ में ही ये रेस्टोरेंट। खाने का ऑर्डर हम सबने दे दिया है और सबसे पहले आया है ये सैलेड, और ये आ गई है खट्टा अचार और ये मीठा अचार। ये कहा जाता है कि जब आप नए शहर में जाएं तो वहाँ की प्याज ज़रूर खाएं, तो आप काफ़ी सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। चलिए सबसे पहले हम उड़ीसा की प्याज लेते हैं विद वन ग्रीन चिली, बहुत ख़तरनाक तीखी हरी मिर्च होती है यहाँ की, सोच समझ के खाइएगा। और अब आ गया है ये वाइट पास्ता वाइट सॉस में,
ये आया हमारा चाउमीन, एग चाउमीन, एग चिकन चाउमीन। ये है चिकन टिक्का मसाला, ये हैदराबाद। ये क्या है? ये हैदराबाद, हैदराबादी चिकन, हैदराबादी चिकन। और ये आया लच्छा पराठा फाइन डाइन फैसिलिटी के साथ, देखिए सर्विंग हो रही है। तो खाते खाते रिव्यूज भी दे देते हैं। ये जो चिकन हैदराबादी था, ये जो लोग कम स्पाइस पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत ही लाइट बना हुआ है वो। और ये है बटर टिक्का मसाला, दैट इज़ स्लाइटली स्पाइसी और मज़ेदार है, अच्छा है, तीखा तीखा। ओवरऑल खाना अच्छा था, हम यहाँ ट्राई कर सकते हैं दोबारा भी। बताइए मुझे आपको ये हॉलीडे इन रिसोर्ट का वीडियो कैसा लगा। चलते चलते ये डेजर्ट आ गया, क्या है भाई ये? कोकोनट आइसक्रीम, डिलाइट डिलाइट डिलाइट, कोकोनट डिलाइट। ये भी बड़ी टेस्टी सी एक चीज़ है, नई सी, ये भी ट्राई करें आप। और अब अल्लाह हाफिज़।